चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ग्रैंड ट्रंक मार्ग पर 275 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात पंजाब राज्य के लुधियाना जनपद की सीमा में प्रवेश करते ही एक शहरी क्षेत्र प्रारंभ होता है, जिसे खन्ना के रूप में जाना जाता है। जिला मुख्यालय लुधियाना से 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बसा खन्ना पंजाब राज्य का 16वां सबसे बड़ा शहर है। जीटी रोड के दोनों ओर अनगिनत औद्योगिक इकाइयों से गुजरते हुए सड़क शहर के अमलोह चुंगी पर पहुंचती है। इस व्यस्त चौराहे पर दक्षिण की ओर से आने वाली सड़क फतेहगढ़ साहिब जनपद के अमलोह की ओर से शहर में प्रवेश करके अमलोह चौक पर आकर जुड़ती है। अमलोह चौक पर ही खन्ना का बस अड्डा परिसर स्थित है, जहां से आसपास के महत्वपूर्ण शहरों के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। यहां अनेकों वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स स्थापित हैं। जीटी रोड अमलोह चौराहा से पश्चिम की ओर मुख्य शहर में प्रवेश कर जाता है। खन्ना में पंजीकृत स्थानीय वाहनों को PB26 से पहचाना जाता है। आगे बढ़ते हुए कुछ ही दूरी तय करने के पश्चात शहर का एक और महत्वपूर्ण चौराहा ललहेड़ी चौक दिखाई पड़ता है। ललहेड़ी चौराहा शहर का व्यापारिक केंद्र बिंदु है। यहां दक्षिण की ओर बुक मार्केट बाजार स्थित है। यहां अनेकों व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित हैं। ललहेड़ी चौक के निकट ही दक्षिण की ओर खन्ना का मेन बाजार स्थित है। मुख्य बाजार में बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। मुख्य बाजार से पश्चिम की ओर पुराने शहर में स्थित एक और मुख्य बाजार सुभाष बाजार नजर आता है। खन्ना के बाजारों में सामान्यतः बेहद भीड़भाड़ बनी रहती है। ललहेड़ी चौक से उत्तर पूर्व की सड़क ललहेड़ी रोड के रूप में जानी जाती है। इस मार्ग पर शहर के प्रताप कॉलोनी, गुरबचन कॉलोनी, जीटीबी नगर, आजाद नगर आदि क्षेत्र बसे हुए हैं। खन्ना के शहरी क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 1,62,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से लुधियाना जिले में लुधियाना के बाद दूसरा एवं पंजाब राज्य का 16वां सबसे बड़ा शहर है। ललहेड़ी चौक से जीटी रोड पश्चिम में मलेरकोटला चुंगी की ओर बढ़ जाता है। खन्ना भारतवर्ष की सबसे बड़ी अनाज मंडियों में एक है। जीटी रोड आगे बढ़ते हुए रेलवे स्टेशन मोड़ से गुजरता है, जहां से उत्तर की ओर सड़क रेलवे रोड के रूप में जानी जाती है। रेलवे रोड जीटी रोड को रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क है। इस मार्ग पर भी अब पूर्णतः बाजार विकसित हो चुका है। सड़क उत्तरी छोर पर रेलवे स्टेशन खन्ना पर पहुंचती है। खन्ना से होकर अंबाला लुधियाना अमृतसर रेलमार्ग गुजरता है। खन्ना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत अन्य कई राज्यों के लिए कई रेलगाड़ियां उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन मोड़ से पश्चिम की ओर कुछ ही दूरी पर जीटी रोड के दक्षिण की ओर गुरुद्वारा कालगीधर का परिसर दिखाई पड़ता है। खन्ना ब्रिटिश काल में ब्रिटिश पंजाब के लुधियाना जनपद की एक तहसील के रूप में जाना जाता था। आजादी के पश्चात यह भारत के पंजाब राज्य का हिस्सा बना। वर्तमान में खन्ना लुधियाना जनपद की 7 तहसीलों में एक है। आगे बढ़ते हुए जीटी रोड समराला चुंगी से गुजरता है। समराला चौक से उत्तर की सड़क समराला रोड के रूप में जानी जाती है। यह सड़क खन्ना को समराला होकर नवांशहर एवं होशियारपुर से जोड़ती है। इस मार्ग पर शहर की नई आबादी, विनोद नगर एवं मॉडल टाउन जैसे पॉश क्षेत्र बसे हुए हैं। समराला मार्ग भी पूर्णतः बाजार के रूप में विकसित हो चुका है। खन्ना लुधियाना जनपद में लुधियाना के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। जीटी रोड समराला चुंगी से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मलेरकोटला चुंगी से गुजरता है। यह चौराहा शहर के महत्वपूर्ण स्थानों में एक है। यहां दक्षिण पश्चिम की ओर से मलेरकोटला रोड खन्ना शहर में प्रवेश करता है। मलेरकोटला रोड शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। गुरु रामदास नगर, चीमा चौक, बैंक कॉलोनी एवं शहर के अनेकों पुराने मोहल्ले मलेरकोटला मार्ग से जुड़े हुए हैं। खन्ना शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु
इसे पुलिस जनपद का दर्जा प्रदान किया गया है। खन्ना शहर कुल 3 थाना कोतवाली क्षेत्र, कोतवाली खन्ना सदर, थाना खन्ना शहर प्रथम एवं थाना खन्ना शहर द्वितीय में विभाजित किया गया है। मलेरकोटला रोड शहर के मलेरकोटला चुंगी पर आकर जीटी रोड से जुड़ जाता है। जीटी रोड पश्चिम की ओर जिला मुख्यालय लुधियाना एवं जालंधर अमृतसर की ओर प्रस्थान कर जाता है। खन्ना जैसे महत्वपूर्ण, स्वच्छ, सुंदर एवं विकसित शहर को कैमरे में कैद करना मेरे लिए सौभाग्य का विषय था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। खन्ना शहर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो खन्ना एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।